इकानमी क्लास के पैसेंजर्स भी अब दौरान सफ़र खा सकेंगे पिज़्ज़ा, मलाई बोटी और फास्ट फूड। पाकिस्तान रेलवे ने पहली दफ़ा इस प्रीमियम लाउंज को आखिर ज़करिया एक्सप्रेस के साथ ही क्यों अटैच किया, ये देख सकेंगे आज की हम इस वीडियो में। तो इकानमी क्लास में ट्रैवल करने वाले पैसेंजर्स जो हैं वो आपको ज़ाहिर पता है कि वो एसी से ज़्यादा ही हैं, तो उनके लिए भी कोई आपने मेन्यू रखा है कि जो इस कैटेगरी से हट के, ताकि लो प्राइस में वो ले सके फूड अपना, जिसमें बाकी इकानमी के पैसेंजर्स और जो अपना मर्जी से हट के जो आप आए, मतलब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बारबेक्यू है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम व्यूअर्स, मैं मोहम्मद सईद आपके साथ वीडियो शेयर कर रहा हूँ कराची सिटी स्टेशन से। और आज पहला दिन है कि पाकिस्तान रेलवे ने प्रीमियम लाउंज जो जिसका इफ्तिताह किया था लाहौर में, उसको अटैच किया है बहाउद्दीन ज़करिया एक्सप्रेस के साथ। 16 घंटे 40 मिनट कराची से मुल्तान तक और 24 स्टॉप के साथ सफ़र करने वाली बहाउद्दीन ज़करिया के साथ ही आखिर इसे क्यों लगाया गया। व्यूअर्स, एक तरफ आपने देखा कि इकॉनमी क्लास किस कंडीशन में अटैच की गई थी और इसी कोच के दूसरी साइड में एसी स्टैंडर्ड है, उसकी भी हालत ज़रा आप देखेंगे कि बाहर से कैसी और अंदर से भी कोई इतनी ज्यादा अच्छी कंडीशन नहीं है, जिसके दरमियान ये प्रीमियम लाउंज में 5 स्टार फूड जो है इनको प्रोवाइड किया जाएगा। ये बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है जैसे कच्चे मिट्टी के बने मकानों के दरमियान आप एक संगे मरमर की मस्जिद बना देते हैं और उसमें एयर कंडीशन और ठंडे और गर्म पानी का इंतजाम है, जिसे देखकर मुझे इकबाल का वो शेर याद आ रहा है कि मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है बरसों में नमाजी बन न सका। व्यूअर्स, आपको पूरा डाइनिंग कार का विजिट करवाते हैं और आगे इस पे हम बात भी करेंगे, मगर इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस कर लें। व्यूअर्स, पिज़्ज़ा की अगर प्राइस को देखा जाए तो मीडियम पिज़्ज़ा 1000 रुपये का, जबकि लार्ज 1500 रुपये का। 3 फ्लेवर इसमें रखे गए हैं, चिकन टिक्का, चिकन फजीता, पेपरोनी और सॉसेजेस पिज़्ज़ा। सैंडविचेस और बर्गर में क्लब सैंडविच, जिंगर बर्गर, जिंगर पराठा रोल है, जिसके प्राइस 500, 450 और 250 हैं। बाकी चाइनीज़ फूड के रेट भी रिजनेबल ही हैं, चिकन मंचूरियन 450 और चिकन शाशलिक 500 रुपये, ये सिंगल पर्सन प्राइस है, जबकि फैमिली के लिए 850 रखे गए। घर के खाने के रेट व्यूअर्स बहुत ज्यादा हैं, अगर लाहौरी छोले लें तो 990 रुपये और रोटी जो सादा है वो 100 रुपये की रखी गई है और चिकन आलू कीमा आपको 1330 रुपये में मिल सकेगा। डायरेक्टर ऑपरेशन है जमील एंड कंपनी के शाहिद रिजवी साहब, आए उनसे पूछते हैं कि इकॉनमी क्लास के पैसेंजर्स के लिए फूड में ऐसा क्या है कि वो प्रीमियम लाउंज को इस्तेमाल कर सकें। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर पहले तो मैं जमील एंड कंपनी को बड़ी मुबारकबाद देना चाहता हूं कि इतनी लग्जरी जो है डाइनिंग कार इंट्रोड्यूस की गई है। तो हमारी दुआ है, मैं पहले भी इस चीज़ को सजेस्ट किया था कि जितनी दूसरी नॉन स्टॉप ट्रेनें हैं उसके अंदर भी इस तरह की जो है ना सर्विस हो। अच्छा, एक चीज़ मैंने ये देखी है कि अगर हम प्राइस को देखें, जो फूड है उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा है। तो इकोनॉमी क्लास में ट्रैवल करने वाले पैसेंजर जो हैं वो आपको ज़ाहिर है पता है कि वो एसी से ज़्यादा ही है। तो उनके लिए भी कोई आपने मेन्यू रखा है कि जो इस कैटेगरी से हट के, ताकि लो प्राइस में वो ले सके फूड अपना? शुक्रिया जी बहुत बहुत। ऐसे है कि दो मेन्यू आपको जो है ना वो मिलेंगे जी। एक जो है प्रीमियर का है और दूसरा जो है वो स्टैंडर्ड हो जाएगा, जिसमें बाकी इकोनॉमी के पैसेंजर्स और जो अपना मर्जी से हट के जो आप है, मतलब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बारबेक्यू है, दूसरी डिशेज है, उसमें बाकी चीज़ें मौजूद है नॉर्मल उसकी, जिसकी प्राइसेस लो होगी वो भी साथ इंट्रोड्यूस्ड है। सही। अच्छा, दूसरी चीज़ ये मैं पूछना चाहता हूँ, अच्छी बात है कि इकोनॉमी क्लास में स्टैंडर्ड भी आपने इसमें इंट्रोड्यूस करवाएंगे, तो जितने पैसेंजर्स हैं यहाँ पे भी आके वो डाइनिंग कर सकते हैं या अपने कोच में भी? दोनों सहूलियात मयसर है। ठीक है कि अगर आप ऑर्डर करें तो आपको डिलीवर ऑर्डर हो जाएगा खाना। फॉर एग्जाम्पल अगर बिजनेस क्लास है, ए सी है, इकोनॉमी में भी जो है वेटर्स मौजूद है और यहाँ भी है, दोनों फैसिलिटीज जो है वो मौजूद है। आप डाइनिंग कार बैठ के एंजॉय करना चाहें तो यहाँ, अगर इकोनॉमी के लिए ज्यादा जो होगा वो इकोनॉमी क्लास में जाएगा। बड़ी खुशी है सर आपसे मिलके। आप अपना नाम जरा इंट्रोड्यूस। मेरा नाम शाहिद रिजवी है, मैं डायरेक्टर ऑपरेशंस हूँ और ये हमारी बहाउद्दीन ज़करिया से हमने ये स्टार्ट लिया है इन कोचेस का, और बाकी कोचेस भी जो इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्रेन है, हज़ारा है, मूसा पाक है और जिस तरह बाकी जो है इंशाल्लाह रेलवे, यानी प्लान है कि दूसरी ट्रेनों में भी इस तरह की चीजें लगाई जाएंगी, बाकी ट्रेनों में भी इंशाल्लाह। तो आज ये पहला दिन है इसके डाइनिंग कार के साथ। ये दो ट्रेन जो कोचेस तैयार हुई हैं पाकिस्तान रेलवे ने की हैं, ये दोनों अभी चले। ये हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इसको कामयाब करे और मुसाफिरों को ज्यादा से ज्यादा अच्छी जो है अल्लाह ताला जो है वो पाकिस्तान रेलवे को बहुत ज्यादा मुस्तहकम करे, ताकि जो है ना वो पैसेंजर्स को और बेटर फैसिलिटीज जो है वो प्रोवाइड करे। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सर, थैंक यू। हमेशा की तरह इस दफ़ा भी ऐसा ही हुआ है, कराची को नज़रअंदाज किया गया। जिस तरीके से इस प्रीमियम लाउंज का मुल्तान में इफ्तिताह किया गया, इस तरह कराची में नहीं था। कोई भी आला शख्सियत या रेलवे का कोई भी ऐसा उहदेदार यहाँ इफ्तिताह के लिए नहीं आया था। ऐसे जमील एंड कंपनी के वर्कर्स नहीं, ये जो आप गुब्बारे देख रहे हैं दोनों विंडो पे लगा दिए गए थे। मेन्यू जो मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ व्यूअर्स, उसमें जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी वो ब्रेकफास्ट बुफेट है। उसकी पर पर्सन प्राइस इन्होंने 999 रुपये रखी है। अगर ये ब्रेकफास्ट करने का अभी तक किसी को एक्सपीरियंस हुआ तो अपने कमेंट्स जो है वो ज़रूर शेयर करें। बहाउद्दीन ज़करिया में 2 कोचेज़ एसी स्टैंडर्ड्स की और 2 बिजनेस क्लास की लगाई जाती हैं, जबकि 10 कोचेज़ इकोनॉमी क्लास की हैं। उसका मेन्यू स्टैंडर्ड का जैसे ही सामने आता है तो मैं लेटेस्ट ट्रेन अपडेट्स में आपके साथ शेयर करूँगा। प्रीमियम लाउंज के फ़ौरन बाद डिपार्चर के टाइम आप देख रहे हैं कि पीछे एसी स्टैंडर्ड की 2 कोचेज़ लगाई गई हैं, जिनकी कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी, जबकि बिजनेस क्लास की जो कोचेज़ हैं उनकी कंडीशन अच्छी थी। तो मेरी ये सुजेशन है कि उन दोनों को स्टैंडर्ड से आगे करके लाउंज के साथ अटैच किया जाए। मेरी अपनी राय ये है कि प्रीमियम लाउंज को ज़करिया के साथ इसलिए अटैच किया गया है कि कम आवर्स का डेस्टिनेशन है, एक्सपीरियंस भी हो जाएगा, कम लोगों को सर्व करना आसान होगा। इस तरह बाद में किसी और ऐसी ट्रेन के साथ इसे अटैच किया जा सकता है। बुलान मेल के साथ जो डाइनिंग कार लगाई गई थी उसे भी एस जमील एंड कंपनी ही ऑपरेट कर रही है और उसके रेट मैंने आपके साथ शेयर किए थे जो कि काफ़ी मुनासिब थे। तो इस तरह स्टैंडर्ड फूड मेन्यू में उस मेन्यू को भी शामिल कर लेना चाहिए। व्यूअर्स, ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोज़ आपको मिल सकें।